Let's see this question. In this question, we have given if z1, z2 are two complex number and argument of z1 plus z2 upon z1 minus z2 is pi by 2. But we have also given mod of z1 plus z2 is not equals to z1 minus z2. Then the figure formed by 4.0 z1 z2 and z1 plus z2. तो सबसे पहले देखें, जैसे अपने पास ये सपोज करो ओरिजिन है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। तो मैंने बनाया ये z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2, तो ये वेक्टर हो गया z1, ये वेक्टर z2 और z1 प्लस z2 जो वेक्टर है वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके बन जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये अपने पास एक पैरेललोग्राम बन गया, ये अपने पास एक पैरेललोग्राम बन गया। और इसमें अपने को क्या बोल रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2, मतलब z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, मतलब एक पैरेललोग्राम के डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर। अगर पैरेललोग्राम के डायगनल परपेंडिकुलर होंगे तो इट विल बी ए रोम्बस, शॉर्ट शॉर्ट ये रोम्बस तो होगा। अब स्क्वायर होगा कि नहीं इस बात का पता कैसे चलेगा? देखो स्क्वायर होगा कि नहीं ये इस बात के लिए अपने को क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इज नॉट इक्वल टू, तो ये पक्का स्क्वायर तो नहीं है, ये पक्का स्क्वायर तो नहीं है। लेकिन अगर डायगनल परपेंडिकुलर तो रोम्बस होगा, तो हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल और रोम्बस गलत ऑप्शन, ए रेक्टेंगल बट नॉट स्क्वायर गलत ऑप्शन, ए रोम्बस बट नॉट स्क्वायर सही ऑप्शन, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं। तो अगर अपने को अगर पैरेललोग्राम के डायगनल परपेंडिकुलर हों तो इट विल बिकम ए रोम्बस, और उन डायगनल्स का मॉड इक्वल नहीं हो तो वो अपने पास रोम्बस ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा।